वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 10 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 45। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको देता हूँ राकेश यादव के क्लास नोट्स के इवरी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप आसानी से वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी मैं मटेरियल पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ तो वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी और दूध में एक मिश्रण में 80% दूध है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% क्या है? तुम्हारा दूध है। 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 50% हो जाए? ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे में हम क्या करते हैं, देखो, पानी हो गया, हम क्या करते हैं किसी को ले लेते हैं, पानी को ही ले लेते हैं। ठीक है, पानी को। अब सिंपल सा चीज़, मैं ऐसे क्वेश्चन में पानी को लेके चलता हूँ, आप दूध को भी लेके चल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा दी हुई है ना फाइनली, तो हम पानी को लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि पानी क्या था, 100%। क्लियर है बात? लेकिन उसमें क्या था, 80% दूध था, तो 80% दूध था तो यानी कि 20% क्या था, पानी था। यहाँ तक क्लियर है? अब फाइनली में 50 लीटर मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि क्या हो जाए, 50% पानी की मात्रा हो जाए, यानी कि 50% फाइनली पानी की मात्रा हो जाए। अब सिंपल क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन सिंपल है। अब आसानी से पहले इसका क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। ये बताओ, 100 में से 50 गया कितना हो गया, 50, और इधर कितना हो गया, 50 में से 20 गया कितना हो गया तुम्हारा, 30। ठीक है, अब ये बताओ इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 50:30 को 10 से 10, यानी कि 5:3। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है ये बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि जो पानी की मात्रा हो 50% हो जाए। देखो, अब ये बताओ मेरे को एक चीज बताओ, ये बताओ कि मेरे को ये मिश्रण कितना, जो पहल जो, क्योंकि ये तो पानी 100% है ना, जो दूध वाला केस था कौन सा था, दूध इसमें 80% था तभी तो हमने 20% मिलाया, यानी कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि 50 लीटर है ना, यहाँ पे देखो 50 लीटर है, कितना टाइम्स है ज़्यादा, 10, तो उसी तरह इसमें कितना मिलाएं हम, 10, कितना यानी कि 30 लीटर अगर हम मिश्रण में पानी मिलाते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाता है, 50% मात्रा पानी की हो जाएगी। तो ये तुम्हारा 30 लीटर क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बुक्स में हो सकता है 50 लीटर बाई मिस्टेक दिया गया है, कैलकुलेशन है, क्योंकि 3:10 क्या होता है तुम्हारा, 30 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है कि दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी कितना है, 20% है। दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में कितना है, 20% पानी है। मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए कितना लीटर पानी की जरूरत होगी? देखो, पानी हो गया, ठीक है, देखो पानी है, पानी है, देखो पानी पहले कितना था, 100%, लेकिन अब पानी कितना है तुम्हारा, क्वेश्चन कर रहा है कि 20%, लेकिन फाइनली ये बताओ, फाइनली जो है पानी की मात्रा कितनी है, 90%। यहाँ पे हमने 90%, अब कैन सिंपल कैलकुलेशन कर लें, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, घटाओगे तो 100 माइनस 90 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और ये करोगे 90 में से 20 करोगे कितना हो जाएगा, 70, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1:7, क्योंकि 10 और 10 रेशियो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1:7। अब मैं आपको एक चीज़ बोलने वाला हूँ, ये बताओ, कह रहा है कि 25 लीटर पानी में 20% पानी वाला, यानी कि 25 ये है कितना टाइम्स है, 25 गुना, तो ये भी तुम्हारा 25 गुना हो जाएगा, 25 गुना, यानी 25 साथ कितना हो जाएगा तुम्हारा, 175 लीटर, 175 लीटर, यानी मिश्रण में 90% पानी में कितने लीटर पानी की जरूरत होगी, तो यानी 175 लीटर पानी की जरूरत होगी ताकि मिश्रण कितना बन जाए, 90% बन जाए, यानी आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, 175 लीटर। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं जो एलिगेशन मिक्सचर के हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि वाइन और पानी के गैलन में 125 गैलन मिश्रण में 20% वाइन है, और मिश्रण में 25% वाइन, 25% करने के लिए कितनी परसेंट वाइन की आवश्यकता होगी। देखो वाइन और इधर भी वाइन, हम मान लेते हैं इनिशियल 100% वाइन होगा, ठीक है, अब उसमें क्या करें कि 20% वाइन है, 20% वाइन है, लेकिन 25% वाइन करने के लिए, 25% वाइन करने के लिए कितनी वाइन की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो
हमने क्या किया, यहां से इसको घटा दिया कितना हो गया 75, यहां से इसमें से इसको घटा दिया कितना हो गया तुम्हारा 5, यानी 75:5 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 15:1। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% वाइन के लिए कितना था, 125 गैलन, 125 गैलन, ठीक है, यानी कि तुम्हारा देखो 15 यूनिट के लिए तुम्हारा कितना था 125 गैलन, लेकिन हमें चाहिए कितना 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा तुम्हारा 125/15, यानी तुम्हारा अगर काटना है तो 5 3 15, 5 2 10, 25 5 125, यानी कि 25/3 यानी कि 3 6, ठीक है 25/3 हो गया, 3 8 24, 3 3 गैलन, ठीक है, ये तुम्हारा पानी की आवश्यकता हो, वाइन की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, दूध के और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, मिश्रण में पानी को 25% करने के लिए पहले पानी और फिर क्या फाइनली पानी, यानी कि 100% था, उसके बाद क्या था 10% रह गया, 10% अब 25% करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक, फिर वही चीज, ये कितना हो जाएगा 75, अगर इसमें करोगे ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 15, यानी 75:15 कितना हो जाएगा काट लो 5 से, तो यानी कि 15 5 75, 15 1 15, 15 5 75, 0.5 हो जाएगा ना, यानी सिंपल सा जी 0.5:1 या 5:1 कुछ भी लिख सकते हो, 5:1, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब 5:1, अब देखो क्वेश्चन देखो, 5 के लिए तुम्हारा कितना दिया हुआ है 20 लीटर, तो 1 के लिए कितना होगा, अगर ये 4 टाइम्स है तो इधर भी 4 टाइम्स कर लूं, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया 4 लीटर की जरूरत पड़ेगी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोडा और पानी के 75 लीटर मिश्रण में सोडा और पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है, सोडा और पानी के 75 लीटर मिश्रण में सोडा और पानी का अनुपात कितना है 4:1 है, इस अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, यहां तक समझ में आ गया, देखो पानी है और तुम्हारा क्या है सोडा है, देखो दोनों साइड हम क्या करते हैं, हाँ क्या पानी मिलाना है ना, तो दोनों साइड क्या लिखो पानी और पानी, ठीक है। अब ये बताओ, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि अगर सोडा और पानी के 75 मीटर मिश्रण में पानी का अनुपात, सोडा और पानी का अनुपात, देखो सोडा इस टू पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:1, यानी हमें या तो सोडा में कन्वर्ट कर लो या तो पानी में, लेकिन हमें फाइनली पानी मिलाना है तो हम पानी में करेंगे, ठीक है, कितने पानी की हो सकता है तो हम पानी कर लेते हैं, पानी कितना होगा देखो, पानी का हिस्सा कितना है 1, कितना में दोनों 5, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें 100% करने के लिए तो कितना हो जाएगा 20%, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 20%। उसी तरह सेकेंड वाले में, ठीक है, फाइनली जो है हमारा पानी कितना था 100%, ठीक है, अब क्या कितना बन गया 3:1 में सोडा है और ये तुम्हारा क्या है पानी है। अब ये बताओ पानी इसमें कितना है 1, कितने में टोटल दोनों मिला के 4, 100 से मल्टीप्लाई कर लूं परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा 25%, ठीक है, ये 100% पानी होता है ना, इसलिए मैंने पानी को पहले 100% ले लिया, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाना कि क्या चीज मैं कर रहा हूं। अब सिंपल सा चीज ये बताओ, कैंसिल घटाओगे 100 में से 25 घटाओगे कितना होगा 75, 25 में से 20 घटाओगे कितना हो जाएगा 5, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 15:1, 15:1 हो गया, यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आएगी ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 75 लीटर, 75 लीटर किसके वाला है, ये वाला 75 है, कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो 5 टाइम्स, यानी कि 5 क्या हो जाएगा तुम्हारा लीटर जो मिलाना पड़ेगा पानी की आवश्यकता होगी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हो। देखो अगर ये वीडियो आपको रियली में हेल्पफुल है, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपको क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ में नहीं आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सोल्यूशन की पूरी कंप्लीट एक एक क्वेश्चन की वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए बने रहें, थैंक यू।